वेलकम टू कंप्यूटर सोल्यूश टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर वन ऑफ क्लास थ्री फ्रॉम साइबर टूल्स बुक सो फर्स्ट वी विल डू फिल इन द ब्लैंक्स अ कंप्यूटर वर्क्स विद डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस तो कंप्यूटर कैसे काम करता है जब हम कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं और उसके बाद हम उनसे कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं अ कंप्यूटर कैन डैश अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर बहुत सारी ज़्यादा इंफॉमेशंस हैं बहुत सारी और वो कंप्यूटर क्या करेगा उसका उसको स्टोर करेगा तो कंप्यूटर क्या कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है की बोर्ड हैज़ डैश कीज़ तो की बोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं स्टैंडर्ड की बोर्ड में वन हंड्रेड फोर कीज़ होती हैं लेकिन आपने बहुत सारे की बोर्ड्स देखे होंगे जिसमें वन हंड्रेड नाइन कीज़ भी होती हैं वन हंड्रेड टू भी होती हैं वन हंड्रेड ट्वेल्व भी होती हैं इलेवन भी होती हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो मल्टी मीडिया की बोर्ड्स होते हैं उसमें और भी मल्टी मीडिया कीज़ होती हैं सो बट स्टैंडर्ड की बोर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें कितनी कीज़ होती हैं वन हंड्रेड फोर कीज़ अ डैश इज़ यूज टू पॉइंट सेलेक्ट एंड मूव एनी ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि जब आप माउस को मूव करते हैं तो आपको स्क्रीन पे एक पॉइंटर मूव करता हुआ दिखाई देता है और अगर आप कोई भी आइकन कोई भी प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं या उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसका किसकी हेल्प लेते हैं आप माउस की हेल्प लेते हैं तो माउस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस इसीलिए हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं ओके okay? एंड माउस इज़ ऑल्सो नोन एज इनपुट डिवाइस क्योंकि किसी भी डेटा को इनपुट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं माउस का यूज़ करते हैं दी डैश कंसिस्ट ऑफ नंबर कीज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड द डेसीमल पॉइंट सो मे बी यू हैव सीन कि जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके राइट right साइड में नंबर कीज होती हैं उनके साथ आपने देखा होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जिसपे प्लस का साइन होता है माइनस का साइन होता है डेसिमल होता है डिवीज़न का साइन होता है तो ये जो सारे साइन होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर तो ये सारे की का जो कॉम्बिनेशन है वो एक साथ क्या कहलाते हैं वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा न्यूमेरिक की पैड ओके अ डैश डज ऑल द कैलकुलेशंस एंड डिस्प्लेस द रिजल्ट ऑन द मोनिटर तो सी पी यू जो है उसे हम क्या बोलते हैं सी पी यू इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सी पी यू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि जितनी भी मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क होते हैं हमारे कंप्यूटर के वो सारे कौन करता है सी पी यू करता है एज़ यू ऑल नो दैट कि मल्टीपल डिवाइस मिल करके हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनाती है जैसे कीबोर्ड है माउस है सी है मॉनिटर है ठीक है तो जो सारे मैथमेटिकल वर्क होते हैं और लॉजिकल वर्क होते हैं वो कौन करता है सी करता है एंड सी का फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ओके अ मोनीटर इज ऑल्सो नोन एज अ डैश तो मोनीटर को हम और किस नाम से जानते हैं तो मोनीटर को हम वी डी यू के नाम से भी जानते हैं जिसका मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट कंप्यूटर सॉरी मोनीटर क्या करता है वॉट एवर वर्क वी डू ऑन अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी थ्रू द मोनीटर जो भी काम हम कंप्यूटर पर कर रहे हैं वो हमें कहाँ दिखाई होता है कहाँ डिस्प्ले होता है मोनीटर पर डिस्प्ले होता है तो मोनीटर क्या है एक यूनिट है एक पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का तो वो डिस्प्ले कर रहा है हमें दिखा रहा है विजुअलाइज कर रहा है तो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड वी डी यू जिसका मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर एट अ डैश डिस्प्ले ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर तो अभी मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बता दिया था कि जो भी हम काम करते हैं वो हमें कहाँ दिखाई देता है मॉनिटर पे दिखाई देता है और मॉनिटर क्या कहलाता है आउटपुट डिवाइस कहलाता है क्यों क्योंकि वो हमें रिजल्ट दिखा रहा है जब सारी प्रोसेसिंग के बाद सारा काम होने के बाद जो हमें लास्ट में रिज़ल्ट मिलता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं और जिस यूनिट के थ्रू हमें आउटपुट मिलता है या हम आउटपुट को देख पाते हैं वो क्या कहलाती हैं आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस तो मॉनिटर भी क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस है नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर नाइन डैश कीज़ आर यूज फॉर मूविंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स तो ऐसी कीज़ जो आपकी हेल्प करें आपको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी मूव करने में चाहे वो अप डाउन लेफ्ट राइट हो ठीक है तो वो क्या कहलाती है नेविगेशन की जैसे कि हमारी होम की है एंड की है पेज अप पेज डाउन कीज हैं दीज कीज़ आर कॉल्ड नेविगेशन कीज़ ओके नाउ नेक्स्ट वी विल डू ट्रू एंड फॉल्स सो द पॉइंट नंबर वन इज़ अ कंप्यूटर हैज़ एन आई क्यू आई क्यू से क्या मतलब है इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो क्या कंप्यूटर के पास दिमाग होता है क्या हमारी तरह वो सोच सकता है नहीं सोच सकता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के पास आई क्यू होता है वो समझ सकता है चीज़ों को तो ये लाइन क्या हो गई हमारी स्टेटमेंट ये क्या है फॉल्स है नेक्स्ट एन आउटपुट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी तो सॉफ्ट कॉपी होता क्या है जब कोई डेटा कोई डॉक्यूमेंट कोई भी चीज़ें हमारे कंप्यूटर के अंदर हैं जो हमें दिख रही हैं कि कंप्यूटर के अंदर है वो रिटर्न टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हमारा डेटा क्या कहलाता है सॉफ्ट कॉपी कहलाता है और जब हम उस चीज़ को प्रिंट करके पेपर पे ले लेते हैं बाहर निकाल लिया हमने तो वो क्या कहलाता है आउटपुट कहलाता है उसे हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं ठीक है तो अगर कोई आउटपुट कोई रिजल्ट आपने प्रिंट कर लिया है पेपर पे तो वो सॉफ्ट कॉपी नहीं कहलाता उसे हम क्या कहते हैं हार्ड कॉपी कहते हैं तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है कि प्रिंटेड ऑन अ पेपर अगर कोई चीज़ पेपर पे प्रिंट हो चुकी है तो वो तो अब आपके पास आ गई है वो हार्ड कॉपी कहलाती है बट हेयर इट इज़ रिटेन कि नोन एज सॉफ्ट कॉपी तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है फॉल्स है पॉइंट नंबर थ्री अ कंप्यूटर हैज़ फोर मेन पार्ट्स यस दिस इज़ ट्रू कंप्यूटर के फोर मेन पार्ट्स होते हैं माउस कीबोर्ड मॉनिटर सी पी यू क्लियर एम यू स्टैंड फॉर मेमोरी यूटिलिटी तो एम यू है क्या एम यू इज़ अ पार्ट ऑफ अ सी पी यू ये सी पी यू का एक पार्ट है सी पी यू के थ्री पार्ट्स होते हैं जिसमें एम यू भी एक पार्ट है जिसका मतलब है मेमोरी यूनिट बट यहाँ पे क्या लिखा है यूटिलिटी तो ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है अ सी पी यू कंसिस्ट ऑफ ए यू एंड एल यू तो अभी मैंने आपको बताया कि सी पी यू के थ्री पार्ट्स होते हैं एम यू ए एल यू एंड सी यू सी यू का मतलब है कंट्रोल यूनिट ए एल यू का मतलब है अर्थमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड एम यू का मतलब है मेमोरी यूनिट तो क्या कहीं किसी भी लाइन से मैच किया आपका एल यू तो कोई नहीं होता ए एल यू होता है ए यू भी कोई नहीं होता तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है फॉल्स है पॉइंट नंबर सिक्स द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन अ मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अभी मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर टू में कि जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर होती हैं जो हम देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है बट अगर वो प्रिंट होकर के पेपर आ गया तो वो क्या कहलाता है हार्ड कॉपी तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसके लिए हम क्या मार्क करेंगे नेक्स्ट फंक्शन कीज़ आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगी कीबोर्ड पर भी तो so, मैं आपको दिखाऊँगी कि जो फंक्शन कीज़ होती हैं वो कीबोर्ड में टॉप पर होती हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर होती हैं और वो F1 से स्टार्ट होती हैं और F12 तक होती हैं ठीक है उनकी रेंज होती है F1 एफ़ से एफ़ तक होती है और वो किसी स्पेशल टास्क के लिए यूज़ होती हैं तो फंक्शन कीज़ राइट right साइड में नहीं होती हैं कीबोर्ड के वो कहाँ होती हैं कीबोर्ड के टॉप पे होती हैं तो ये भी स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है नाउ वी विल सी मैच द फॉलोइंग तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है आई गिव आउटपुट ऑन अ पेपर मैं पेपर पे प्रिंट देता हूँ तो प्रिंट कैसे प्रोनाउंस हो रहा है प्रिंटर है ना तो प्रिंटर इज़ अ डिवाइस जिसे हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं जो हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर में सेव डेटा को पेपर पे प्रिंट करने में नेक्स्ट है वॉट एवर यू टाइप एंड ड्रॉ कैन बी सीन ऑन मी तो जो भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं अभी मैंने आपको बताया था फिल इन द ब्लैंक्स में वो हमें कहाँ दिखाई देता है मॉनिटर पे दिखाई देता है ओके दैट इज़ वाई मॉनिटर इज नोन एज वी डी यू विजुअल डिस्प्ले यूनिट नेक्स्ट है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ कैट सेट ऑन अ मैट हैव अ लॉन्ग टेल कैन सेंड ई मेल तो समझ जाइए कौन है जो बिल्कुल रैट की तरह दिखता है कैट से बिल्कुल नहीं डकता तो ये हमारा माउस ठीक है और माउस को हम पैट पे रखते भी हैं माउस पैट पे ओके नाउ द नेक्स्ट इज़ आई एम अ पार्ट ऑफ अ सी पी यू एंड डू अर्थ कैलकुलेशंस तो सी पी यू के तीन पार्ट्स होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था और जो कैलकुलेशन करता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए एल यू जो लिखा है आप अगर उसको ब्रीफ में पढ़ेंगे तो अर्थमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन करता है ए एल यू करता है नेक्स्ट है कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर तो सी यू सी यू का जो फुल फॉर्म है वो है कंट्रोल यूनिट तो कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वैसे तो सारी फंक्शनिंग सी पी यू के थ्रू होती है सी पी यू के भी थ्री पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं मेमोरी यूनिट स्टोर करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट चीज़ों को कैसे प्रोसेस में ले जाना है पहले क्या डेटा इनपुट करना है फिर रिजल्ट कैसे आएगा ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन करता है कंट्रोल यूनिट करता है ओके आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैरी इज़ रीडिंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ लेटर तो मैरी क्या कर रही है लेटर पढ़ रही है अब अगर वो लेटर पढ़ रही है कंप्यूटर पे तो वो कंप्यूटर के किस पार्ट को यूज़ कर रही होगी सो द करेक्ट आंसर इज मोनीटर मोनीटर इज लुक्स मोनीटर लुक्स लाइक अ टी वी तो कोई भी चीज़ हमें कहाँ दिखाई देती है मोनीटर पर तो अगर मुझे पढ़ना भी है कंप्यूटर में कोई डेटा है हमारा उसे हमें रीड करना है तो हम कहाँ पढ़ेंगे मॉनिटर पे सुप्रिया वांट्स टू पेंट यूजिंग अ कंप्यूटर विथ कंप्यूटर डिवाइस विल यू सजेस्ट हर टू यूज़ फॉर मेकिंग कलरफुल ड्राइंग अब कोई एक ऐसी डिवाइस जिसको आप किसी भी तरह मूव करा सकते हैं चाहे सर्कल बनाना हो चाहे स्ट्रेट लाइन बनानी हो चाहे कर्व लाइन बनानी हो कौन सी डिवाइस आपकी हेल्प करेगी कोर्स माउस तो माउस इज़ अ डिवाइस दैट वी यूज़ टू ड्रॉ एंड पेंट ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखेगा और एज वेल एज इफ यू वॉन्ट टू प्ले लाइक गेम देन ऑल्सो माउस नेक्स्ट सौरभ वॉन्ट्स टू टाइप अ स्टोरी यूजिंग अ कंप्यूटर विच डिवाइस शुड ही यूज टू डू सो अब अगर आपको कोई चीज़ लिखना है तो भाई अल्फ़ाबेट कीज कहाँ होती हैं कीबोर्ड पर होती हैं सो यू कैन राइट और टाइप एनी थिंग ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग अ कीबोर्ड कीबोर्ड में अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं जिसका यूज़ हम वर्ड्स सेंटेंस को लिखने में करते हैं ओके नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डैश कैन बी वर्ड्स नंबर्स पिक्चर्स अ साउंड ओके okay, तो देखो प्रोसेसिंग क्या है वर्क का होते रहना मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी हमारी डाटा के ला सकती हैं बट जो हमारे टुगेदर वर्ड्स नंबर्स पिक्चर्स और साउंड अगर हम इकट्ठा करके रखते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि हमारा ये डेटा है ओके अ कंप्यूटर डिस्प्लेस डैश आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा तो जब कंप्यूटर को हम कोई डेटा देते हैं काम करने के लिए तो वो इनपुट कहलाता है फिर कंप्यूटर उस पर वर्क करता है जो कि प्रोसेस कहलाता है प्रोसेस करने के बाद वो हमें रिजल्ट देता है जो रिज़ल्ट क्या कहलाता है आउटपुट तो रिजल्ट हमें कब मिला आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोसेस करने के बाद मिला तो वो क्या होगा करेक्ट आंसर आउटपुट इनपुट क्या होता है प्रोसेसिंग से पहले जो हम चीज़ें डेटा को सॉरी uh, कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाता है इनपुट कहलाता है डैश कीज़ आर यूज़ फॉर मूविंग थ्रू द डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कीज़ होती हैं ये हमारी यूज़ होती हैं आपके डॉक्यूमेंट में वेब पेजेस पे या स्क्रीन पे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए तो आपने फिलिंदर ब्लैंक्स में पढ़ा था पॉइंट नंबर नाइन कि नेविगेशन कीज़ होती हैं जो मूव करने में हमारी हेल्प करती हैं नेक्स्ट है आपका द डैश मॉनिटर कंज्यूम्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर तो इस चैप्टर का जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉनिटर तो जो सबसे पुराना मॉनिटर था वो हमारा था सी आर टी जिसे हम कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं फिर एल सी डी आया और फिर लेटेस्ट जो हमारा आया है वो है एल ई डी तो ये क्या है बहुत कम पावर कंज्यूम करता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल ई डी नाउ द पॉइंट नंबर फाइव डैश कीज़ आर आइदर दर यूज अ लोन और इन कॉम्बिनेशन विद द अदर कीज़ टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन तो वो कौन सी कीज़ हैं जो या तो अकेले यूज़ होती हैं या फिर वो किसी की के साथ में यूज़ होती हैं तो देर आर डिफरेंट कीज़ तो कंट्रोल की जो हमारी होती है मोस्टली आपने देखा होगा कि वो हमेशा किसी दूसरे की के साथ यूज़ होती है जैसे सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए बोल्ड करना है तो कंट्रोल के साथ भी है ना और न्यू पेज लेना है तो कंट्रोल के साथ एन की को यूज़ करते हैं अल्फाबेट की के साथ ये यूज़ होती हैं सो वी हैव डन आर एक्सरसाइजेज नाउ वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू हैव अ नाइस डे